हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जानेंगे सारा डिटेल, और गुटेनबर्ग के बारे में कुछ जानेंगे कि वो कैसे कैसे प्रिंटिंग प्रेस बनाए। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक है अपने चैप्टर का, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हैंस गुटेनबर्ग की पिक है, जो मैं पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, तो इनके बारे में हम जानेंगे कि ये प्रिंटिंग प्रेस कैसे लेकर आए और इन्होंने कैसे बनाया। ठीक है, गुटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ अ मर्चेंट, एक मर्चेंट के सन थे वो। मर्चेंट यानी कि जो ट्रेड करता है, जो बिजनेस करता है, उनके सन थे, बेटे थे। एंड ग्रू अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट, और वो जो जहाँ पैदा हुए थे, जहाँ बड़े हुए, वो एक क्या था, एग्रीकल्चरल स्टेट था, यानी कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जगह पर वो उन्हें वो पैदा हुए और वहाँ बड़े हुए। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड से ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस, तो उन्होंने चाइल्डहुड से ही वाइन और ऑलिव प्रेसेस जो थे, मशीन्स होते हैं ऑयल निकालने के लिए, वाइन निकालने के लिए, तो उन देखते आए थे। ठीक है, और साथ ही क्या किए थे, ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, साथ ही उन्होंने स्टोन्स को पॉलिश करने का आर्ट भी सीखा था। बिकम अ मास्टर गोल्डस्मिथ, फिर वो क्या बने, मतलब एक मास्टर गोल्डस्मिथ बन गए थे सोनार। एंड ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लेड मोल्ड्स यूज फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स, और उनके पास एक और कला थी, वो थी लेड मोल्ड्स बनाने की। मोल्ड्स यानी कि साँचा, जैसे कि इडली बनाने का साँचा होता है, बहुत चीज़ बनाने का साँचा होता है, तो वैसे ही वो बनाते थे। ठीक है, क्यों बनाते थे, फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट्स यानी कि स्मॉल ज्वेलरीज टाइप का जो रहता है, वो सब बनाने के लिए, तो वो ये सब काम करते थे। ड्राइंग ऑन हिज नॉलेज, तो यही नॉलेज को अडॉप्ट करने के बाद गुटेनबर्ग अडॉप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन हिज इनोवेशन, तो उन्होंने एक इनोवेशन बना, इनोवेशन को अपने डिज़ाइन किया, और डिज़ाइन करके उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया। देखो, वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस क्या होता है, अ वाइन प्रेस इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू गेट जूस फ्रॉम क्रश्ड ग्रेप्स, तो ग्रेप्स से जो जूस निकालने का जो डिवाइस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाइन प्रेस। और ऑलिव प्रेस क्या होता है कि ऑयल निकालने के लिए, ऑलिव से ऑयल निकालने के लिए जो होता है वो। ठीक है, ये दोनों डिवाइसेस ने प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए हेल्प किया गुटेनबर्ग को। ठीक है, और दोनों डिवाइस थे स्क्रू पर बेस्ड थे, उस मतलब उसमें स्क्रू टाइप का कुछ होता था जो यूज होता था। ठीक है, द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस, तो ऑलिव प्रेस जो था वो मॉडल दिया। ठीक है, उस मॉडल पर ही प्रिंटिंग प्रेस बना था। और जो मोल्ड्स थे वो किस लिए यूज़ हुए, वो कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट का साँचा बनाने के लिए वो उन्होंने मोल्ड का, जो लेड मोल्ड का जो टेक्निक था वो यूज़ किया। ठीक है, उसमें वो लोग वो अल्फ़ाबेट का डिज़ाइनिंग करते गए। ठीक है, 1448 में क्या हुआ, गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम, उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। द फर्स्ट बुक, जो फर्स्ट बुक उन्होंने प्रिंट किया वो था बाइबल। ठीक है, अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड, तो 180 कॉपीज जो थे वो उन्होंने प्रिंट किया। और टुक्स 3 ईयर्स, तो उन्होंने 3 साल उनको लग गया 180 कॉपीज बनाने में। ठीक है, बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम, लेकिन उस समय के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये जो था वो बहुत फास्ट प्रोडक्शन माना गया। ठीक है, द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक बाय हैंड, तो ये टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली डिस्प्लेस तो नहीं कर पाया हैंड, जो हाथ से बनाने वाले बुक का जो था उसको, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये जो था प्रिंटिंग प्रेस क्या हुआ, उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इनफैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिसेंबल द राइटिंग रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट, तो जो प्रिंटेड बुक्स जो था ना गुटेनबर्ग का, वो रिजेंबल मतलब मिलता जुलता था, जो हैंड रिटन जो होता था मैन्युस्क्रिप्ट, उससे मिलता जुलता था। ठीक है, अपीयरेंस में द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड राइटिंग स्टाइल्स, तो जो मेटल का जो लेटर्स जो बनाए थे ना गुटेनबर्ग ने, वो मिलते थे किससे, जो हैंड रिटन होते थे स्टाइल्स, उससे मिलते जुलते बनाए थे। ठीक है, बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड विद फॉलिएज एंड अदर पैटर्न्स एंड इलस्ट्रेशंस वर पेंटेड, और क्या होता था, जो प्रिंटेड बुक था उसमें बॉर्डर्स जो थे उसमें फॉलिएज, और मतलब कि फॉलिएज यानी कि होता है, फॉलिएज यानी कि होता है पत्ता,
पत्ते से रिलेटेड डिज़ाइन जो है वो सब बनाते थे हाथ से, ठीक है, बॉर्डर्स, और जो जो इलस्ट्रेशन यानी कि जो भी फोटोज़ होती थी ना वो पेंट किए जाते थे। इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर द रिच, तो जो अमीरों के लिए जो बुक प्रिंट होता था उसमें क्या होता था, स्पेस छोड़ते थे डेकोरेशन के लिए। प्रिंट तो करते थे लेकिन डेकोरेशन के लिए स्पेस छोड़ा जाता था, ठीक है। और ईच परचेजर, तो और जो भी परचेज कर रहे हैं, जो भी अमीर आदमी, जो भी पैसे वाला होता था, जब वो ख़रीदता था वो चूज़ करता था कि उनको कौन सा डिज़ाइन चाहिए बॉर्डर्स पे, ठीक है, और फिर वो डिसाइड करके वो पेंटिंग स्कूल में भेजा जाता था, वहाँ पर वो लोग डिज़ाइन करके देते थे हैंड से, ठीक है, ये सब होता था। इन दी 100 ईयर्स बिटवीन, तो क्या हुआ, 100 साल के बीच में, 1450 से लेके 1550 तक, प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सेटअप हो गया। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू अदर कंट्री, तो जर्मनी से क्या हुआ, अलग अलग शहरों कंट्रीज़ में, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में वो जाने लगा प्रिंटर्स, ठीक है, और सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्टेड न्यू प्रेसेस। इससे क्या हुआ, बहुत सारे जगह क्या हुआ, स्टार्ट हुआ प्रेस, नया नया प्रेस स्टार्ट हो गया, काम चालू हो गया। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रो, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का नंबर बढ़ता गया तो बुक प्रोडक्शन बूम्ड, यानी कि बुक का जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ गया। द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th century, तो 1550 के बाद का जो टाइम था, तो उसमें क्या हुआ, 20 मिलियंस कॉपी ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग द मार्केट इन यूरोप। तो 20 मिलियंस कॉपी बने थे, कॉपीज बने थे, 20 मिलियन कॉपीज बने थे प्रिंटेड बुक्स के, ठीक है, यूरोप में। द नंबर वेंट अप इन द 16th century में 200 मिलियन कॉपीज हो गए। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, अब क्या हुआ, इसमें हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट हुआ, तो यही इसकी वजह से क्या हुआ, प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। ये NCERT की पिक है, ये मार्क जुकरबर्ग, सॉरी गुटेनबर्ग की ये है मशीन का जो है, ये NCERT का फोटो है। तो ये फ्रेम है, स्क्रू है, ये हैंडल है, और ये प्रिंटिंग ब्लॉक, यहाँ पर पेपर रखा जाता था नीचे प्लेटन के नीचे, ठीक है, और वो स्क्रू से उसको दबाकर प्रिंट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर उनके उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा है, इट इज़ अ लॉन्ग हैंड, लॉन्ग हैंड जो है वो स्क्रू से अटैच है, ठीक है। दिस हैंड वाज यूज्ड टू टर्न द स्क्रू, तो ये हैंडल से स्क्रू को नीचे प्रेस करते थे, ठीक है, और वहाँ पर नीचे पेज रखा रहता था जिससे वो प्रिंट होता था, ठीक है। गुटेनबर्ग डेवलप मेटल टाइप्स फॉर, तो गुटेनबर्ग ने मेटल टाइप्स यानी कि डिज़ाइन, मेटल का डिज़ाइन जो है वो बनाया था 26 कैरेक्टर का, ठीक है, रोमन अल्फाबेट का, ठीक है, और एक डिवाइस किया था, उसको मूव करने का भी टेक्निक बनाया था कि अपने आप मूव होंगे लेटर्स और वर्ड्स बनेंगे, ठीक है, मिलकर। दिस केम टू बी नोन एज अ मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन, तो उसी को बोलते थे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, और वो नेक्स्ट 300 ईयर्स तक यही चलता गया। बुक्स कुड नाउ बी प्रोड्यूस मच फास्टर एंड, तो अब क्या हुआ, बुक्स जो थे वो बहुत फास्ट प्रोड्यूस होने लगे, ठीक है। गुटेनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट 250 शीट ऑन 1 आवर पर साइड, ठीक है, 250 शीट 1 आवर पर साइड में प्रिंट होने लगा। ये था मूवेबल मेटल टाइप्स, ऐसे कुछ दिखता था और इसको मूव करके प्रिंट किया जाता था। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।